हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और ये जो सब्जियाँ तोड़ कर लाए थे ना, उसी में से हम लोग बना रहे हैं शाम के लिए सब्जी, मैं और राखी। दोपहर के लिए सॉरी, हम लोगों को आज ही के दिन निकलना है और हमने सोचा चलो ग्वारफली तोड़ के लाएँ, उसी की सब्जी बना लेते हैं सबके लिए। काफ़ी दिन हो गए थे गाँव में भी सब्जी बने हुए ये वाली, तो मैं और राखी तोड़ के लाए थे और आते ही हम दोनों साफ करने बैठ गए हैं। भाभी कर रही है अपनी गाय का काम। गाय भैंस बहुत है यार उनका काम करने में, मतलब भाभी उनमें लगी रहती है, तो खाने का काम हम लोग कर लेंगे, इससे ना काम जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का ना समय ज्यादा मिल जाएगा। और एक सब्जी बनी है मम्मी के लिए, ये ककोड़े की, जो कि हम लास्ट रेड मतलब जिस दिन ये सब्जियां तोड़कर लाए थे उसी दिन ये भी लेके आए थे, तो मम्मी के फेवरेट हैं, इसलिए मम्मी के जितने ही थे ये तो मम्मी के लिए बना दिए, बीज इनके निकाल दिए हैं। और अभी चलते हैं बाहर, बाहर देखते हैं शर्मा जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? वीडियो एडिट नहीं कौन कर रहे हो? देखो दवाई दे दी शिवांश को। लो जी नाना दोना, मेरा तो हो चुका है दुपट्टा। लो जी के ले आऊं के दूं? यान तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की आदत है, ठीक है। और पापा जी आज फिर नहीं है हमारे यहाँ, कहीं गए हुए हैं कोई मंदिर में, कल हमारे गाँव के पास में मतलब पड़ोस में ही कलश यात्रा। हाँ। सबको प्यारा सा गुड आफ्टरनून शिवांश कह रहे हैं। लाइक मेरे को झूलने देना, तो एक बार झूल लेते हैं। पापा जी नहीं है तो भैया है राखी के पापा, वो लेकिन वो अंदर सोए हुए हैं। तो अब की बार झूलना सही है, पिछली बार पता है क्या था, जब पिछले हफ्ते आया जब एकदम नीचा था शिवांश के हिसाब से, अगली बार थोड़ा सा ऊंचा है। पिछली बार भी बिट्टू भाई नहीं बांधा था। लो जी अब सही है, लेकिन ये टेढ़ी तो रहेगी, अभी फिर से टेढ़ी है। मुझे कलर मत पकड़ के वो कर रहे हो, चलो जाए। मैं सूट को सत्यानाश कर दिया, ये ले मैं 1000 रुपया। तो ये ले यार, तो क्या करे जाए, चलो दे रहा दंगा मस्ती, दंगा मस्ती तेरे की जाऊंगी पार्टी को जाना है। तू सिले भी को नहीं देखो ठीक, सिले भी को नहीं पिन लगा लियो, एक दिन पिन लगाने को भी और जी लगा दूसरे पहले दूसरे है ही नहीं ले। तो जी अभी हम दोनों की बातें आपने सुनी, तो ये झूला जो है ना, इस पे झूल रही थी ना मैं, तो इन्होंने बीच में आके अचानक से, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ये झूला देंगे, और इन्होंने ज़ोर से खींचा, और जैसे एक कमर के ऊपर से इन्होंने वो सूट को खींचा ना, मतलब सूट पकड़ में आ गया इतनी मजबूती से, और उसके कारण ना मैं झूले को पकड़े हुए थी, और सूट जो है ना उसका आजकल पता नहीं कैसा कपड़ा आता है यार, इतना पकड़ने से वो सूट फट गया, मेरे सूट का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मतलब इतना बढ़िया सूट था, अभी लेकर के आई थी, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, आप लोगों ने देखा था कितना प्यारा कुर्ता था, और कुर्ते के साथ में पैंट भी थी उसमें, और पूरे सूट का नाश कर दिया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा घर का व्यू लिया, और मन नहीं करता यार घर छोड़ने का, जब ये थोड़ा सा व्यू इधर का लिया और निकल ली हूँ, फटे पुराने कपड़े पहन के, फटी हुई चुन्नी पहन के, यही कपड़े थे मेरे पास। लो जी आ गए थे चिड़ावा, और कम से कम आधा घंटा हो गया, आधा घंटे पहले पहुंचे थे। अभी मैं क्या करूँगी बताऊँ आपको, तो मैं पहले तो करूँगी खाना बनाने का काम, मतलब खाना बनता रहेगा, सब्जी में तड़का लगा दूँगी, चावल मैंने चढ़ा दिए, और बाद में खाना बनता रहेगा ना उसके साथ साथ मैं जो क्लीनिंग पड़ी है वो कर लूँगी थोड़ी बहुत, बाकी तो सुबह होएगी। शर्मा जी दूध लेके आ गए, तो बाकी मैं क्लीनिंग का करूँगी बाद में, साथ साथ खाना बनेगा, तो ये है बच्चे टाइम से सो जाएंगे खा के, स्कूल जाना है सुबह, ठीक है। सामान भी नहीं अच्छे से अरेंज किया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा, तो ठीक है। फिर पहले मैं सब्जी कट कर लेती हूँ, सब्जी में क्या बना रही हूँ, कढ़ी चावल बना रही हूँ, जल्दी इजी बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, छाछ गाँव से आई है तो देर नहीं लगेगी बनाने में। कुछ दही पड़ा था फ्रिज में, हम लोग गए थे ना उस दिन से दही रखा हुआ था, उसको ले लेंगे, ठीक है।
और वहाँ पर ये वाला कुर्ता और ये सलवार रखी हुई थी, मैं सर्दियों में पहनती थी इसको, फिर मैंने वैसे ही वहाँ छोड़ दिया था ऐसे ही, मतलब पहनने का मन नहीं था इसको, तो पहन मतलब नहीं मन था और मन ऊब गया था, तो मैं इसको वहीं छोड़ आई थी। लेकिन आज यही फटे पुराने कपड़े मेरे काम आए, क्योंकि साड़ी जो थी ना वो मैंने लास्ट डे बांध रखी थी, तो वो मेरी वैसे गंदी थी, और सूट मैंने सुबह पहन लिया था तो वो वैसे गंदा था, तो ये चक्कर में दो ही मैं लेके गई थी, तीसरा जो मेरे को आज पहन के आना था वो लेके गई थी, तो वो इन्होंने फाड़ दिया था। तो मैंने ये वाला, ये जो कुर्ता पहन रखा है ना, यही पहन करके मैं आई वहाँ से, और एक चुन्नी जो मेरी फटी हुई थी ना वही मैंने ओढ़ के आई, क्योंकि वो वाली चुन्नी थी ना वो भी मैं यूँ सोच रही थी जैसे कि रहने देते हैं, वो वहीं पर छोड़ के आ गई फिर मैं, और ये वाले कपड़े पहन के आई। और यहाँ पर लेके आए थे जो सब्जियाँ, उनको ऐसे कैसे एक बार थैली में ही रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को अगले दिन इनको साफ़ करना है, जो बच गई हैं फली वो साफ़ करनी है, कुछ मेरे को अड़ोसी पड़ोसियों को देनी है तो वो भी है, तो थैली में ही रख दिया, मॉर्निंग में निकाल लूँगी। इनमें कीड़े वीड़े का तो कोई डर है नहीं, सारी अपने घर के खेत की हैं, साफ़ सुथरी हैं, और ऊपर से मैं वहाँ से लेकर आई हूँ ना, तो सारी ज़्यादातर जो है ना धुली हुई है, पानी चलता रहता है ना लाइन का, इसलिए तो मैंने सारी उसमें लगा दी हैं। अभी निकालते हैं बैग में से कपड़े, और ये सारे कपड़े निकाल के, मतलब सबसे बड़ा ये काम होता है वहाँ कहीं जाओ, वहाँ से आने के बाद में थकान भरी रहती है, और बैग जो होते हैं ना उनकी मतलब खाली करना उनको, और फिर उनमें से सामान निकालना सबसे गंदा काम लगता है मेरे को, तो ये मैं जाते टाइम पैक करना मुझे सबसे अच्छा लगता है, लेकिन आकर के खाली करना मुझे सबसे गंदा लगता है। लेकिन अभी निकालने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ जो ऐसे हैं जो वॉश होंगे, इस वाले बैग के वॉश ही होने वाले हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम लोगों ने जो पहने थे नाइट में पहने थे वो हैं, और मॉर्निंग में पहने थे वो हैं, तो वो सब धोने के हैं। तो यहाँ पर शर्मा जी जो हैं वो आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, शाम हो चुकी है, इनका वीडियो लाइव हो चुका है, और मैं कर रही हूँ ये सारा समेटने का काम, साथ साथ मैंने कढ़ी चावल बनाने रख दिए थे तो वो बन जाएंगे, जब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा। पर्स जो है उसमें भी बहुत सारा ऐसा ही एक्स्ट्रा सामान भरा हुआ है, जब जाते हैं ना, जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि चार्जर हो गया, गिलास हो गया, और इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं जो कि काम में मतलब आने के बाद में पर्स में रखेंगे तो फिर काम में आएंगी, तो फिर ढूंढनी पड़ेंगी, तो वो सारी मैंने निकाल कर रखी हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं मेरे पर्स में गिलास तो हमेशा रखती हूँ, ये वाला गिलास अब वॉश हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर से मेरे बैग पर्स में ही चला जाएगा, क्योंकि कहीं जाते हैं ना जब बच्चे बीच में पानी मांगते हैं तो फिर गिलास होना ज़रूरी होता है पर्स में, और पानी तो हमें कहीं भी मिल जाएगा लेकिन ग्लास नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये सारा समेट दिया है, और अब ये जो काम है ना ये कर लिया ना, तो ये सुबह के लिए नहीं फैलेगा, सुबह मैं डायरेक्ट कपड़े वॉश करने के लिए लगा दूंगी, तो बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में मैंने सीधे कपड़े धोने लगा दिए हैं, और कपड़े बहुत सारे थे, मतलब हम गए थे जब के भी थे और आए वो वाले भी लास्ट डे के भी, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बेडशीट्स हो गई थी, तो सारे धोने में बहुत टाइम लगा, लेकिन सुबह उठते ही लगा दिए ना, तो फिर ये है कि काम रूटीन में आ जाता है, सारे ज़्यादातर धुल जाते हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा टास्क बाकी है कि मुझे सारे पर्दे वगैरह धोने हैं, नीचे लगाने हैं ना, तो नीचे का मैंने हाउस टूर आप लोगों को नहीं दिया है, मैं दूंगी जल्दी ही, थोड़ा सा घर सेट कर लेती हूँ, अभी इसीलिए नहीं दिया है, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं हाउस टूर दूंगी ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और शर्मा जी आप देख रहे होंगे पीछे अपने पेड़ पौधों में लगे हुए हैं, पेड़ पौधों का ये यार लगा तो लो लेकिन उसके साथ में ना मेहनत बहुत चाहिए होती है, रोज़ सुबह या शाम को 1 से 1.5 घंटा तो इनको देना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ग्रो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम दोनों में से एक बंदा ज़रूर लगता है इनमें, रोज़ का काम है हमारा, 1-1.5 घंटा इनमें जाता ही है। और लास्ट डे जैसे ये वीडियो आज के दिन आएगा ना, आज भी मैंने काफ़ी देर तक इनकी क्लीनिंग की, काट छाँट की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इनमें जो कि ख़राब हो जाती हैं, तो और इस दिन भी की थी, देखो शर्मा जी उधर लगे हुए थे, बीच बीच में अपना टाइम जो है ना वो इस तरीके से, जैसे उधर कपड़े ड्रायर हो रहे हैं धुल रहे हैं, तब तक मैंने छत पर झाड़ू लगाने का काम जो है ना वो शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर ये ग्वार के जो पौधे लगा रखे थे ना हमने, ग्वार के पेड़ लगा रखे थे, मतलब जो भी होते हैं वो, तो इनमें अभी वो फलियाँ लगने कम हो गई हैं, तो मैंने सोचा इनको हटा देते हैं, सर्दियों का कुछ लगाते हैं, क्योंकि ग्वार तो घर से भी आ जाता है, हम जाते हैं जब, और ये सूख भी गए थे जब हम लोग गए ना, तो 2-3 दिन लगातार पानी नहीं आया इधर, और हम गए थे उस दिन भी पानी नहीं आया था, तो ये सूख भी गए थे, काफ़ी पत्ते झड़ रहे थे इनके, और फिर इससे कचरा भी फैलेगा पूरी छत पर, हवा चलेगी वैसे ही, तो मैं इनसे कंसल्ट कर रही हूँ कि मैं इनको निकाल दूँ क्या, फिर इन्होंने कहा निकाल दे, चल कोई दिक्कत नहीं है, इनमें हम नए पेड़ पौधे और लगा देंगे तो टाइम से ग्रो भी हो जाएंगे, बाद में सर्दी जोर की होती है ना तो फिर पौधे उतने अच्छे से ग्रो नहीं होते। अभी मौसम ठीक है और आने वाले टाइम में और ठीक रहेगा, 1.5-2 महीने के लिए तो सारे पेड़ पौधे अच्छे हो जाएंगे हमारे। तो ये सोच करके मैंने गमलों में से निकाल दिया इन सबको और गाय को डाल दिया था,
और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, और इनकी सेटिंग भी मैं चेंज करने वाली हूँ, एक दो दिन में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी काफ़ी दिन हो गए ऐसे देखते देखते ना, बोर हो गए, ठीक है, होता है ना, कई दिन हो जाते हैं एक जगह पे रखे रखे तो बोर हो जाते हैं उसी चीज़ से। तो अब मेरे को होता भी है कि मैं सामान को इधर उधर करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक तो उसके नीचे से क्लीनिंग हो जाती है, सफाई अच्छे से हो जाती है, दूसरी जगह चला जाता है तो निशान नहीं पड़ते छत के ऊपर, और दूसरी बात कि ये साफ भी अच्छा लगता है, थोड़ी सेटिंग भी अच्छी लगती है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करेंगे, हम मिलेंगे नए वीडियो में।